झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर आप सबका स्वागत है। बहनों को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपने व्रत करा होगा, आशा करती हूँ आप अच्छे से होंगे और कल अच्छे से अपने व्रत का पारण करेंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे हम शनि की। भादों का महीना जो है वो शनि के उपायों के लिए बहुत ही शुभकारी होता है। जैसे कि पहले भी मैंने बताया हुआ है कि हर महीने का एक अलग महत्व होता है, हर ग्रह के हिसाब से उस समय में अगर उपाय किए जाएं तो वह बहुत शुभकारी होते हैं, बहुत जल्दी कारगर होते हैं, बहुत जल्दी फलीभूत होते हैं। तो शनि के उपायों के लिए दोस्तों हमें 5 जीवों की सेवा जरूर करनी चाहिए, उनके लिए भोजन अर्पित करना चाहिए। दोस्तों ये प्रकृति में है, प्रकृति हमारे जो प्लेनेट है वो कहाँ पर है, वो भी इसी यूनिवर्स में है, इसी प्रकृति में है। तो उनसे रिलेटेड जो जीव जंतु हैं उनको जब हम भोजन अर्पित करते हैं तो वह यूनिवर्स में जाता है, इस प्रकृति में जाता है और वही हमें फिर सुंदरता प्राप्त करता है, देता है और हमारी मनोवांछित इच्छा पूरी होती है। तो दोस्तों यहाँ शनि के किसी भी प्रकार का आपका कष्ट हो तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं चींटी, कौवा और बैल या भैंस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे चींटियों के लिए आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा आटा जो है भून लें और उसमें आप काले तेल और नारियल का पाउडर, जो नारियल सूखा नारियल होता है गोला, उसको थोड़ा सा कद्दूकस करके वह मिक्स करके, और मीठा, मीठे में आप जो भी डालना चाहें, चीनी, शुगर या शक्कर, जो भी चीज वह आप थोड़ा सा उसमें डाल करके, और यह आप जो है 8 दिन लगातार, शनिवार से शनिवार 8 दिन लगातार आप चींटियों को दें। और अगर आप 8 चींटियों के 8 घरों में प्रतिदिन देते हैं तो बहुत 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 शुभकारी होगा आपके लिए। अब बात करते हैं कौए के लिए। तो इसके लिए आप रोटी बनाएं तवे पर और उसको एक तरफ से है कच्चा रखें, तो उस पर आप थोड़ा सा तेल लगा करके जो है, और उसके 8 पीसेस करके आप जो है ऐसी जगह पर डालें जहाँ पे कि कौवे आते हों, कौवे खा सकें उसको, किसी बड़े पेड़ के नीचे या कहीं पर खुली जगह में। तो यह आप कौवों के लिए रखें। अब बात रही भैंस या काले रंग की गाय हो या बुल हो, जो बुल होते हैं, लेकिन विशेष आपको ध्यान ये रखना है कि वो ऐसे हों कि जो आपके जानने में हो कहीं पर, जो या तो डेयरी हो कोई यहाँ पर, कि वो आपको परेशानी ना दे, आपको कष्ट ना दे। तो उसके लिए आपने वहाँ पे तेल जो है थोड़ा सा तेल लेकर के जाइए और उनकी पीठ पर जो है मालिश कर दी, जैसे मालिश करते हैं उस तरह से आपने तेल को जो है तेल से मालिश कर दी। तो यह आप दोस्तों उपाय करके देखें। और अगर संभव ना हो तो आप गौशाला में भी जा सकते हैं, तो गौशाला में अगर कोई बुल है ब्लैक कलर के, डार्क कलर के, तो आप उन पर भी यह तेल लगा सकते हैं, लेकिन उस समय में कोई गौशाला का व्यक्ति आपके पास होना चाहिए ताकि वो जीव जो है वो परेशान ना हो जाए, इरिटेट ना हो जाए। तो इस प्रकार से दोस्तों यह 3 बहुत ही सुंदर उपाय विशेष वस्तुओं के साथ में इस प्रकार से करें, आशा करती हूँ बहुत शुभकारी होंगे, लाभकारी होंगे आप लोगों को। और फिर से हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन लोगों ने मेरा जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि इस भादो मास का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना आप सभी का।